हाँ जी, एक फरमाइश आ रही है काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा डिफरेंट एक चीज़ करें। कपिल शर्मा, कॉमेडी सीन्स दिखाया करें। नहीं कॉमेडी सीन्स नहीं, लेकिन कपिल शर्मा का जो शो है उसका वो हर जो भी एपिसोड आता है ना, तो उससे पहले वो एक टीज़र कह लें या जो भी, उसका एक वो अनसेंसर्ड एक वर्जन आता है उसका, वो अपने चैनल पे ना वो लगाता है, कपिल शर्मा अपने खुद से, तो यूट्यूब के चैनल पे। तो उसकी आ रही फरमाइश के वो भी हम देखें, तो चेक करें कि वो कैसा है। तो उनमें से जो मुझे लेटेस्ट जो नज़र आया वो ये भोजपुरी जो स्टार्स हैं इनके, एक अच्छा तो रवि वो आए किशन हुए और हैं। मनोज तिवारी, मेरे ख्याल में ये आए हुए हैं, तो चेक कर लेते हैं देखते हैं। कैसा है ये। मैं इस आदमी को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। देखिए हमारे सीनियर हैं ये, मैं इनके फिल्म में आइटम सॉन्ग कर चुका हूँ। उस फिल्म में ये 25,000 रुपया लिए थे, मैं आइटम सॉन्ग का 1,00,000 रुपया लिया था। आज तो हाथ लगे हो, आज जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सूतल सैया के जगावे हो रामा, कोयल बड़ी पापी। हमका बिटिया है, हमको सुला रहे हैं। मनोज भैया, आपके बारे में एक अफवाह है कि बचपन से आपको साइकिल चलाने का शौक है, इसीलिए आपको किसी ने कहा बता कि हमारी पार्टी में आ जाओ। क्या ये कपिल शर्मा किसी को छोड़ने वाला तो है? किसी पार्टी का इंसान होगा सर। अर्चना जी, कैसन टको टको देखत रहिन, कहाँ आँख मार के तो का फसाई ले। भोजपुरी भाषा में कितनी मिठास है। अच्छा, भोजपुरी लोग ना जमीन से बड़े जुड़े होते हैं और ये खेतों से इतना प्यार करते हैं कि प्यार भी खेत में ही कर लेते हैं कभी कभी। अच्छा, भोजपुरी और पंजाबी लोगों में एक चीज बड़ी कॉमन है, दोनों गाने के बड़े शौकीन है और गाना गाने के चक्कर में अपना खेत तक बेच देते हैं और फिर जब गाना गा के हिट हो जाते हैं फिर दूसरों के खेत भी खरीद लेते हैं और उसके बाद खेतों में क्या होता है मैंने आपको पहले बताया। अच्छा, बॉलीवुड की हीरोइन जीरो फिगर में बड़ा विश्वास करती हैं, भोजपुरी की होती है मतलब आपके जैसी तंदुरुस्त टिकाऊ, एक जगह टिक गई फिर मजा लेके उठ जाए। कई बार तो ऐसा होता है कि हीरोइन आके बैठ जाती है ना तो विलेन आके बोलता है डायरेक्टर को, इस बार हीरोइन हीरो से ही उठ बात। हमारा डिस्कवा मसलिप तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हम सबके प्यारे चहेते एक्टर सिंगर मिस्टर मनोज तिवारी। जोरदार तालियां एक बार मनोज भाई के लिए, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप मनोज भैया। अच्छा मनोज भैया, वैसे तो भोजपुरी में बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, पर आज आपका क्या कहना है, सबसे बड़ा स्टार कौन है आपकी नजर में? देखिए स्टार तो बहुत होते हैं, महास्टार अगर कुछ लोग हैं हाँ। तो वो शायद कहीं हो ही रहे होंगे, पता नहीं आज क्या होगा हम लोगों का। जब तक हम नहीं आते मनोज बाबू तब तक आप सुपरस्टार हैं, और जब हम आते हैं तो हम सुपरस्टार हैं। काई की जिंदगी झंडबा फिर भी गमंडबा। वो हो एक बार जोरदार तालियां हमारे सबके प्रिय रवि भैया और गोरखपुर से एमपी भी। आज आजकल नई चीज ऐड करनी पड़ती है, कल बहुत गर्दा उड़ाए हैं गोरखपुर में। रवि भैया, मनोज भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए यहाँ विराजमान हो जाइए। अच्छा देख लो, रजनीकांत के स्टाइल में नहीं आए आज, सामने फूल आया तो फूल के समर्थक में दोनों आगे देख लो। अच्छा, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, ये वैसे ही सिद्धू जी याद आ गए, कभी आ जाते हैं। नहीं वैसे हम लोग जब पिछली बार
अलग अलग आए थे, इनको पूछिए ना, मैंने बहुत तारीफ की थी आपकी। आज तो हाथ लगे हो। आज जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, मैं इस आदमी को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। क्यों? देखिए, हमारे सीनियर हैं ये, हमसे पहले से पिक्चर करते थे कपिल भाई जी। मैं तो बाद में आया, मैं इनके फिल्म में आइटम सॉन्ग कर चुका हूँ। अच्छा जी। हाँ वाओ, हाँ, उस फिल्म में ये 25,000 रुपया लिए थे मैं आइटम सॉन्ग का, एक ये एक नंबर के झूठे। ये पहले भीड़ में खड़े रह के मुझे, मैं स्टार था, अरे स्टार ये आदमी वहाँ पे क्राउड में खड़े रह के, इन तो मुझे डायरेक्टर ने बोला इनको गाना गवाना चाहिए नहीं, ये लाल स्वेटर पहने थे, बोले ये बड़ा पॉपुलर सिंगर है वहाँ का, यूपी का उस टाइम पे, और मैं मुंबई में ज़्यादा रहता जब बम्बई हुआ करता था। हम बोले हाँ भाई, मनोज तिवारी जी हम नाम सुने हैं, चौकिया माई पे हमारे जौनपुर में गाना गाए थे। ठीक बोला इन्होंने अर्चना जी, हाँ जी। जब हम लोग केवल गाना गाते थे तो नो डाउट उस समय सिंगर्स की वैल्यू ज़्यादा थी, ही वॉज ओनली ए स्टार भोजपुरी सिनेमा, तो ये हम लोगों को समझता ही नहीं था। हम सही बात है कि मैं शूटिंग देखने गया था, लेकिन वेन आई बिकम स्टार, ससुरा बड़ा पैसे वाला, तो इस आदमी की एक चीज जो मुझे तब से आज तक अच्छी लगती है, मैं पॉलिटिक्स में गया तो मैं इनको पकड़ के लाया, चलो, तो लोग कह भी रहे थे कि अपने सबसे बड़े समस्या को ला रहे हो साथ में। देखो, याद रखना चाहिए सबको, हमारा आज 5 बार मन किया है कि मैं रवि को कचकचा के गले लगा लूं, लेकिन नहीं लगा। सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। इतना सब पहले बोल के तुम चले गए थे, मैं तांडव मच गया था तुम्हारा शूट टेलीकास्ट हुआ था, मुझे कितना फोन आया। अच्छा, आप सब तो जानते हैं कि मनोज भैया, रवि भैया फिल्में तो करते ही हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि इतने गुण तो पति पत्नी के नहीं मिलते जितने आपके मिलते हैं। तो ये सच्ची में आपके ख्यालात और शौक एक जैसे हैं या एक दूसरे पर नजर रखते हैं कि आप ये कर रहे हैं और मैं भी ये करूँगा? हाँ, मतलब इनको बड़ा गर्व है, बिकॉज ये खेलते रहे, स्टेट लेवल पे खेलते रहे। अच्छा, तो इनको पता नहीं था, ये हमको बड़ा हल्के में लेते थे कि हमारी, अरे आएगा चलेगा क्या करेगा पता नहीं। अरे 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 भाभी, भारती जी आई है। इधर होना दिख नहीं रहे, नेता लोग आए। भाभी बैठो इधर अपना स्कूटर लेके, ये क्या बनी हुई हो? क्या बनी हुई हो क्या? इतने मतलब बड़े लोग हमारे शो में हॉट बन के आए हैं, तो मैं ना हॉट बन के आऊं, मैंने सोचा मैं भी थोड़ी हॉट बन लेती हूं। कहां से हॉट लग रही हो तुम? तो ये कहां से हॉट लग रहे हैं? भाभी बहुत हो गया तुम्हारा, चलो मैं तेरी चोटी खा जानी तेरी, मैंने रायता लगा के। देवर जी आप ऐसे मत कहा करो, मेरा ना एक बहुत बड़ा सपना था तिवारी साहब, कि जब कोई दो नेता बड़े आए मैं देवदास की पारो बनूं। बस रवि बाबू, आज आप हमार देवदास हो और हम आपकी पारो, और ई है हमार सुन्नी बाबू। आओ फिर देवदास हो जाओ। एको पारो खाती चिड़िया चहकाए लगल, चहकाए लगल, और वो कहेगा कि सूतल सैया के जगावे हो रामा, कोयल बड़ी पापी, हमका बिटिया है हमको सुला रहे हैं। ये चैती गा रहे थे, ये चैत के महीने में चैती गाई जाती है, इसी प्लैनेट में हम भी रहते हैं। आप कहे हमको अंतरिक्ष से समझे, पूरा समझा रहे हैं। चलो भाभी यहाँ से। मनोज भैया, आपके बारे में एक अफवाह है कि बचपन से आपको साइकिल चलाने का शौक है, इसीलिए आपको किसी ने कहा था कि हमारे पार्टी में आ जाओ। अरे क्या कपिल शर्मा किसी को छोड़ने वाला था? मेरे जीवन में साइकिल का बहुत महत्व रहा है। हम लोग 4-4 किलोमीटर एवरी डे जाते थे स्कूल, फिर आते थे, 8 किलोमीटर रोज चलते थे, तो साइकिल
हमारे लिए सपना थी, बट एक बात अलग है कि मैं थोड़ी दिन के लिए समाजवादी पार्टी में था, आपका इशारा मैं समझ सकता हूँ, यह अफवाह नहीं है, सच है। क्योंकि समाजवाद को समझने गए थे, बाद में वैसे ही जैसे वो मेकअप का धोखा हुआ तो वैसे ही हो गया। छोड़ते आप भी नहीं हो किसी को। मनोज भाई, एक अफवाह ये कि आप सीसीएल की टीम के कैप्टन इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि आपने सबको बोल रखा है कि आप धोनी के साथ क्रिकेट खेला करते थे। हाँ, ये इन्होंने माहौल पूरा भौकाल टाइट रखता है अपना, पूरा भौकाल में बना। हाँ, और मैं अब अभी और... तुम तीन बार डायलॉग मारो, ये पहले बोले हम ही सिखाए हैं। ये अफवाह ये ठीक नहीं है, मैं धोनी के नाम का फायदा नहीं उठाता। हाँ, ये बात अलग है कि हमने धोनी फिल्म बनाई है, हमने एज प्रोड्यूसर उस फिल्म को बनाई है। अच्छा, वाह। कुछ अफवाह हम भी सुने। सुनाइए सुनाइए। पूछ लें क्या? क्या क्या जी? अगले वो आगे बेहतर। अरे बाप रे, मजा आ गया यार, सच में आज यहाँ पे ना बुर्रा नहीं होगा, नहीं होगा। आज ससुर के नाती होगा, होगा, बकलौल होगा, भैंस की पूंछ होगी, भैंस की टांग होगी, जिंदगी की झंडवा होगा, फिर भी घमंड। ये इसका डायलॉग है ना? बच्चा तू क्या फालतू बातें कर रहा है, क्या सोचेंगे मेहमान? क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि यूपी बिहार का लौंडा गदर मचा रहा है। यही सोचेंगे। ओए नमस्कार, नमस्कार, अमिताभ बन के ये हाथ मोड़ दो, हाथ तो ये कौन? बहुत ही अच्छा लगा आपको। किशन क्या कृष्णा करता नहीं, घोड़ पड़ता नहीं, दिशा पड़ता नहीं। माय नेम इज शीला, शीला जवानी। रमेश तोरानी, विजय दलानी बच्ची। रवि जी आपकी बच्ची। क्या है, रिमोट क्यों दे रहे हैं? अब अगले महीने लखनऊ में हमारी बुआ की बेटी की शादी है। कांग्रेट्स। अडबे तेरे को क्या, इनको तो उनका फोन आया था। कहते हैं लखनऊ आते आते गुजरात से लहंगा उठा के ले आना। तब गुजरात कौन जाए, इसलिए हमको रिमोट दे दिया है, तो रिमोट से लहंगा उठा देते। बड़े दुष्ट हो तुम, बहुत बड़े वाले दुष्ट हो तुम। अरे भाई, ये मेरा जीवन था, अब मैं अलग जीवन में हूँ, लेकिन ये रिमोट साथ नहीं छोड़ रहा है, खासकर इस मंच पर। लेकिन तकलीफ क्या है, गुजरात से ही उठाना है उसमें। फॉर मोर जी, मजेदार था, बस इतनी था। ये असल में पूरा शो नहीं है, शो का मैंने जैसे बताया ना आपको कि वो उससे पहले थोड़ा सा झलकियां टाइप कह लें। अच्छा। तो वो बहुत मजा आ रहा था। हाँ, और इसका ये भी जरूरी नहीं है कि ये सारा जो है वो उस पे आए। अच्छा। यानी ये भी जरूरी नहीं है कि ये सारा का सारा यानी ना शो में शामिल हो। ये इस तरह का एक किस्म का यानी कि उन्होंने बनाया हुआ कि जैसे ऑफ कैमरा वो, लेकिन उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा। तो अगर उसमें से कोई चीज डालने वाली, हाँ, तो वो डाल दी जाए, नहीं तो उसको इस तरह से बस अलहदा से नहीं, वो एक किस्म का वो चटपटा सा वो एक ट्रेलर ट्रेलर सा बन जाता है ना, कि इस काम में आ जाता है कि लोग ये इसमें होता है कि यार क्या बात हुई है, क्या यानी कि किस मकसद से कहा गया होगा ये बात, वो जानने के लिए इस तजस्सुस में फिर बंदा यानी कि वो बैठा रहता है ना कि यार हम इंतज़ार करते हैं अगले हफ्ते आना है या दो तीन दिन बाद आना है, जो भी जब भी, तो वो उस चीज़ में अच्छा उन्होंने एक बनाया। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। और कपिल शर्मा तो हमेशा से अच्छा लगता है, वैसे भी अमृतसर का है। हाँ। हमारा अमृतसरी है, अमृतसरी लोग तो होते टैलेंटेड। नहीं, अच्छा शो चला रहा है, हम तो यानी कि उसको वैसे भी शो देखते रहते हैं। बहुत मेहनत की हमने, मतलब उस वक्त से देख रहे हैं जब ये पहले पहले आए थे, वो एक क्या कॉमेडी सर्कस में यहाँ शो किया था, वो एक पुलिस वाला बन के आते थे, सुहेल खान और अर्चना थे ना, पहला कैरेक्टर जो करते थे पुलिस वाला, वो कर किया करते थे। बड़ी मेहनत की है और मतलब आज सुपरस्टार है, माशाल्लाह।
चले हमने तो फरमाइश पे बनाया, अब देखेंगे अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पांस आया तो इस तरह की चीज़ें और भी ढूंढेंगे। ये तो हम खुद देखने के लिए हुए बनाया करेंगे, मजा आ रहा था जहर है बिल्कुल, बंदा भूल ही जाता है कि वीडियो बना रहा है या कोई इस तरह की दिल चीज़। नहीं चाह हम रहा था खत्म हो इसको। मैं भी कह रहा हूँ ना कि हाँ हम नहीं तो असल नहीं में रूटीन एक चीज़ बन जाती है ना, वो हाँ दिल ही नहीं, सोच में ही नहीं आ रहा था कि मैं बिल्कुल मगन हुआ हुआ था मेरा, ये नहीं कि बिल्कुल ही खत्म हो गई थी सोच के हम वीडियो बना रहे हैं, रिएक्शन बना रहे हैं कोई ऐसा चीज़ ऐसी ही बस, यानी कि बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जैसे हम रूटीन में देख कपिल रहे शर्मा हैं। देख रहे हैं। तो खैर देखें और बताएं फिर, अगर अच्छा लगता है और हमें, अगर ये भी बताएं कि इस तरह की चीज़ अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हम बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, रब रख। अल्लाह हाफिज़।